हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहन केडिया। एक कमाल का किस्सा है। एक बार कुत्तों का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। जी हाँ, कुत्तों का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। हर अलग अलग देश के कुत्तों ने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। भारत के कुत्तों के मुकाबले बाकी देश के कुत्ते एकदम हेल्दी, वेल ड्रेस्ड, एकदम सूट बूट के साथ उस कॉन्फ्रेंस में आए थे। लेकिन भारत के कुत्ते एकदम दुबले पतले, एकदम सूखे हुए, एकदम अनहेल्दी थे वो। यहाँ तक कि कई कुत्ते तो उनमें बिना कपड़ों के ही उस कॉन्फ्रेंस के लिए आप कहे अपनी दुम हिलाते हिलाते। लेकिन एक चीज था उन कुत्तों में जो बाकी देश के कुत्तों में देखने को भी नहीं मिला, और वो था उनका लेवल ऑफ एटीट्यूड। उनका एटीट्यूड बाकी देश के कुत्तों से बिल्कुल अलग था। भारत के कुत्तों का खाना पीना, उनका रहन सहन, उनकी गरीबी को देखकर बाकी देश के कुत्तों ने उनका काफी मजाक उड़ाया। यहां तक कि टोंट भी मारे कि देखो कितनी ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं हम, हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा माहौल है, अच्छा खाना है, तुम्हारे पास क्या है? आखिर तुम्हारा देश तो तुम्हें दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं देता। तुम्हारे देश ने तुम्हें दिया क्या है? अब बात आ गई सिटीजनशिप की। भारत के कुत्तों का जवाब सुनिएगा, मजा आएगा। भारत के कुत्तों ने जवाब दिया, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन काफी स्ट्रिक्ट है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन काफी स्ट्रिक्ट है। हमारे भारत ने हमें दिल खोलकर कहीं भी कभी भी पूरी एनर्जी के साथ भौंकने का मौका दिया है, जबकि आपका देश आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका भी नहीं देता। पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस वहीं का वहीं शांत हो गया, क्योंकि बात तो सही की थी उन भारत के कुत्तों ने। सच कहा है किसी ने कि पूरी दुनिया आपको नीचा दिखाना चाहती है, पूरी दुनिया आपको नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन वो आपका लेवल ऑफ एटीट्यूड ही है जो आपको कभी झुकने नहीं देता।